बाद मुश्किल हो गए। भाई बोलिए, समझ आई? तो इब्राहिम अलैहि सलाम ने क्या कहा, अम्मा इलैक अला हाजत, अला हाजत लिल्लैक, अगर अपनी पास की तरफ से आया ना जा वापस चला जा, और अगर रह गई बात अल्लाह की तरफ से तो उस मकाम नाश पर थे ना, उस मोहब्बत के मकाम पर थे। कहते क्या है, अगर रब की तरफ से आए तो भी तेरी जरूरत नहीं, वो खुद है ना, वो खुद है ना। जब रब ने देखा ना, फरिश्ते देख रहे हैं, अरे इंसान है, इंसान है, कितनी लंबी आग तैयार है, वो खोल कर इंतजार कर रही है, इसको आग में डालने वाले तैयारी में है, ये किस कदर बेनियाज है, ये किस कदर मकाम खुदी पर फायर है कि ये कहते हैं तेरी जरूरत नहीं। आपको पता है कि अगर किसी पर छोटा सा बच्चा हो जाए, वो हर बड़े बड़े से जाकर सपोर्ट मांगता है, उनसे जाकर मदद मांगता है, जान छूट जाए, अरे जहां जिंदगी आग में जा रही है वहां पर वो कह रहे तेरी कोई हाजत नहीं। ये क्या है, अंदर की नानियत है। वो कहता है जब उसका महबूब हूं तो जिब्रील तुझसे मदद क्यों चाहता है, जब मैं आए हाय हाय एतबार लाए दादा रे मां हर दो आलम रान लगा दे रे मां जात मां आई ने जात हक हस्ती ये मुस्लिम जियायत हक इकबाल यही तो हमें सिखा रहा है। ओ याद रखो यार, तुम कोई आम लोग नहीं हो। इब्राहिम अलैहि सलाम ने क्या कहा, अगर वो है ना जब भी तेरी जरूरत नहीं, वो है ना, मैंने तो उससे ही लगा लिया, जब उसने देखा ना पास हो गया मेरा बंदा, अब आग क्या है, तो मेरा रब कहता है जिब्रील अब तूने नहीं कहना फकुलना आए, आए।
मुरीद ने पूछा, हजरत जरा रात को समझाए ये दुआ क्यों की है। फरमाया, अरे पगलो छोड़ो, ये मकाम नाज की बात है, ये मकाम नयाज की नहीं, मकाम नाज की बात है। कहा हुजूर फिर भी कोई मसला तो समझ आए। आपने फरमाया, अरे इसलिए कहा था चलो किसी माने में से बात तो करेगा, वल्ला कहेगा ना, आए हाय वल्ला कहेगा ना, तो ये तो अल्लाह वाले होते ना जो इन मकामात पर पाए होते, जहां तेरी मेरी अकल ऊंचा बोल, तेरी मेरी अकल पहुंच नहीं सकती। वल्ला कहेगा ना जान से चलो जा रहे तुम्हें। बायजीद कहते हैं, अरे छोड़ इसको कि जन्नत क्या होता है, जन्नत की नेमत क्या होती है, फुला क्या होता है, फुला क्या होता है, और यार किसी माने वो कहेगा तो सही नहीं, जा बात तो करेगा मुझसे, इस मकाम पे पहुंच तो फिर जरा बात करना तू। और जब तुझे इस फना की फे का पता नहीं, बका की फे का पता नहीं, और तुझे नाज की नून का पता नहीं, बुदी की खे का पता नहीं, और तू झाकियां मार रहे वहां के जहां पर अहलुल्लाह का आला मकाम है। इकबाल कहते हैं, खुद को इस रस्ते पे डाल, फिर किसी होगी किसी निगाह वाले की निगाह, तेरा भी काम तो बनता जाएगा ना। और ये मकाम खुदी सिर्फ इकबाल का नहीं है। आज हम बहू से पूछते हैं, बहू क्या कहता है। बाहू कहता है कि सिफत सनाई से बना है, तो फिर आज इसका निजाम
ये गड़बड़ क्यों है? मैंने कहा जिस दिन से हमारे हुक्मरानों ने गुंबद खज़रा को छोड़कर व्हाइट हाउस पे नजरें लगाई हैं, उस दिन से इनका खाना खराब होना शुरू हो गया है। आज भी जरूरत इस अमर की है, हम अमरीका को छोड़ के हमारी नजरें काबे पे लग जाए, हमारी नजरें गुंबद खज़रा के मदीन पे लग जाए। देखो ये जहां भी समर जाएगा वो जहां भी समर जाएगा। खुद ही क्या कहा मैंने, खुद ही। और एक बाल गालिबन इसीलिए कहता है तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो दूर से आई।